हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर आपके फोन में ये जो आपका डायलर पैड होता है, कीपैड होता है, ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अपने कीपैड में, तो उसका सलूशन मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आ जाना है बैक, और यहाँ पर आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ से मैं फोन की सेटिंग्स में चले जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार यहाँ पर आपको अपने सिस्टम अपडेट में चले जाना है, और यहाँ पर आपको देख लेना है आपका सिस्टम ऑलरेडी अप टू डेट है या नहीं, मतलब करंट वर्जन में है या फिर नहीं। तो दिस सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपका फोन अपडेट नहीं होता है तो आपको कीपैड में बहुत सी चीज में फोन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां से अब हमें आ जाना है बैक। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर आप मोर सेटिंग्स में चले जाइए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है। मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मोर सेटिंग्स के अंदर है, आपका अगर नहीं है तो आप बाहर से ही एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाइए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यहाँ पर हमें अपने फोन की एप्लीकेशन को ढूंढ लेनी है। यहाँ पर मोर पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर शो सिस्टम प्रोसेस ऐप में देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अब अपने फोन की एप्लीकेशन को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर ये रही फोन की एप्लीकेशन, इससे यहाँ पर हमें ओपन कर लेना है, उसके बाद एक बार यहाँ पे कर लेना है फोर स्टॉप, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टोरेज में क्लिक कर लेना है, और यहाँ से एक बार क्लियर कैचे, और यहाँ से क्लियर डाटा कर लेना है। डरिए मत, यहाँ पे आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, बेफिक्र होके यहाँ पे आप डिलीट, यहाँ पे क्लियर डाटा कीजिए। उसके बाद आप बैक आ जाइए, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ये हाइड कर दीजिए, हाइड सिस्टम प्रोसेस ऐप। अब यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड को ढूंढ लेना है, आप जो भी कीबोर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड की एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। तो ये रही मेरी कीबोर्ड की एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर आप स्टोरेज में आ जाइए, यहाँ से आप क्लियर कैचे और क्लियर डेटा कर दीजिए, बेफिक्र होके आ जाइए बैक। यहाँ पे आप परमिशंस पे आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आपको सारी परमिशंस इनेबल कर देनी है। अगर आपकी सारी परमिशंस इनेबल है तो आप एक बार ऑफ करके वापस से ऑन कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए, और आप पूरी तरीके से बैक आ जाइए। अब आप अपने कीबोर्ड को यूज करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कीबोर्ड अच्छे से काम करेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।